Hey everyone, welcome to Shams IAS. मैं हूँ शिवांगी शर्मा एंड हियर आई एम विद सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास ट्वेल्थ मैक्रो इकोनॉमिक्स विच इज़ नेशनल इनकम अकाउंटिंग. सो दिस इज़ द चैप्टर. सो इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम और उसको कैलकुलेट करने के तीन तरीके. ठीक है, सो द थ्री वेज टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम इज द प्रोडक्ट मैथड, एक्सपेंडिचर मैथड एंड द इनकम मैथड. उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं GDP डिफ्लेटर, उसके अलावा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स और भी काफ़ी चीज़ें, जैसे कि GDP की क्या क्या प्रॉब्लम एसोसिएटेड है और क्या क्या इंडिकेटर्स है जिससे हम हमारी कंट्री के लोगों का एग्रीगेट वेलफेयर डिस्कस कर सकें. ठीक है, सो दिस आर द थिंग विच वी आर गोना डिस्कस इन द चैप्टर. सो हेयर इज 2.1 विच इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो हम बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से क्लियर करने वाले हैं. सो एडम स्मिथ ने एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल वर्क किया है जिसमें जो किया है एन इंक्वायरी टू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस. तो बेसिकली ये क्वेश्चन अराइज करते हैं अबाउट द वेल्थ ऑफ आर नेशन, हमारी कंट्री की क्या वेल्थ है, वेल्थ ऑफ द नेशन. ठीक है, ऐसा क्यों है कि हमारी ऐसी क्या चीज़ है जिससे इकोनॉमिक वेल्थ बनती है. ठीक है, ऐसा क्यों है कि कुछ कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा गरीब है और कुछ बहुत ज़्यादा रिच है. ठीक है, so, इसका आंसर ये है कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है. ठीक है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर अवेलेबल, जहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है वो कंट्रीज़ अल्टीमेटली रिच है. ठीक है, लाइक जैसे फर्टाइल लैंड है. ठीक है, नेचुरली रिचेस्ट कंट्रीज़ होते हैं ये, जबकि कुछ जैसे कि कुछ जो रिसोर्सफुल कंट्रीज़ हैं लाइक रिच अफ्रीका, लैटिन अमेरिका हैव सम द पुअरेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, जबकि इन कंट्रीज़ के पास कहीं ना कहीं बहुत पुअरेस्ट कंट्रीज़ भी है. ऐसा क्यों? क्योंकि इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है. ठीक है, स्केयरसिटी है, देर इज़ नो नेचुरल रिसोर्सेज, दैट्स द रीज़न दैट दीज कंट्रीज़ आर कंपेरेटिवली पुअर. ठीक है, तो जो हमारे इकोनॉमिक वेल्थ है या वेल बींग है कंट्री की, वो सिर्फ रिसोर्सेज के ऊपर ही नहीं डिपेंड करता नेसेसरीली, इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा प्रोडक्शन का फ्लो क्या है. ठीक है, उसके अलावा हमारी इनकम और वेल्थ में हम जो प्रोसेस कर रहे हैं उससे क्या हमारी इनकम और वेल्थ जनरेट हो रही है कि नहीं. ठीक है, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. सो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ गुड्स के बारे में, विच आर फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स हम बेसिकली यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. सो हियर लेट मी टेक एन एग्जाम्पल कि सपोज यू हैव एन बेकरी. ठीक है, आप एक बेकरी में आपके पास एक बेकरी है. सो यू यूज़ एनी पर्टिकुलर गुड लाइक वीट, आप अपनी बेकरी में वीट का यूज़ कर रहे हैं और वीट से यू प्रोड्यूस बिस्किट्स. ठीक है, बिस्किट्स प्रोड्यूस करते हैं. सो जो भी आपका कंज्यूमर होगा, द अल्टीमेट कंज्यूमर जो आपकी बिस्किट्स कंज्यूम करेगा, ठीक है, तो जो आपका फाइनल गुड होगा डैट इज़ गोना बी द बिस्किट. फाइनल गुड्स में कोई और स्टेज नहीं होता प्रोडक्शन का. ठीक है, और उसमें कोई भी और अमाउंट नहीं ऐड करने को होती है. जैसे सपोज कोई भी शर्ट है, टेक एन एग्जांपल ऑफ अ शर्ट. एक शर्ट कितना बड़ा प्रोडक्शन साइकिल फॉलो करती है. ठीक है, मतलब पहले एक फाइबर चूज़ करना, उसका धागा बनाना, फिर उसका कपड़ा बनाना, फिर उसको स्टिच करके शर्ट करना, उसको डाई वगैरह करना, बहुत सारे वो आते हैं. ठीक है, तो हर एक प्रोसेस में उस शर्ट में थोड़ा 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 अमाउंट ऐड होता जाएगा और जब वो फाइनल गुड बनेगा तो उसकी एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा, सपोज द रेट ऑफ 500 रुपीज़, और जब वो कंज्यूमर उसको खरीदेगा, द फाइनल कंज्यूमर विल बाय इट, तो वो 1500 के रुपीज़ में ही खरीदेगा. ठीक है, सो 1500 इज़ गोना नॉट 1500 बट द शर्ट, द अल्टीमेट शर्ट इज़ गोना बी द फाइनल गुड जो एक फाइनल कंज्यूमर कंज्यूम करेगा और उसको और प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. जबकि जो फैब्रिक हम यूज़ कर रहे हैं, सेम जैसे वीट में जो हमने बेकरी का एग्जांपल लिया था, तो वीट आप यूज़ कर रहे हो फॉर प्रोड्यूसिंग द बिस्किट, दिस इज़ द इंटरमीडिएट गुड. ठीक है, फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन में जो पहले के जो गुड्स हम यूज़ करते हैं, डाट आर द इंटरमीडिएट गुड. ठीक है,
सो फाइनल गुड्स भी आके दो टाइप के होते हैं, विच इज कंजप्शन गुड एंड कैपिटल गुड। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो इनका नाम है बेसिकली वही है हैं। कंजम्पशन गुड वो गुड है जो कि कंज्यूमर कंज्यूम जो एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है, जबकि कैपिटल गुड है तो वो फाइनल गुड, बट उसको यूज़ करता है एक प्रोड्यूसर यूज़ करता है ताकि वो आगे और गुड्स बना सके, ठीक है। बट एक कैपिटल गुड जो है वो एक इंटरमीडिएट गुड नहीं होता, ठीक है। कैपिटल गुड इज़ अ फाइनल गुड। सपोज कंजप्शन कंजप्शन गुड है, सपोज अ बिस्किट, ठीक है, जो भी बिस्किट है वो कंजप्शन गुड है, जबकि जो कैपिटल गुड होगा वो होगा माइक्रोवेव। आप माइक्रोवेव में सपोज बिस्किट बनाते हैं, सो द माइक्रोवेव इज़ योर कैपिटल गुड, ठीक है, क्योंकि वो माइक्रोवेव तो है तो वो फाइनल गुड, ठीक है। अब आप आके उसे नहीं बेच रहे हो ना, आपने जिस रेट में उसे खरीदा वही उसका पर्टिकुलर रेट है, बट आप उससे और फाइनल गुड कंज्यूम कर और आप उससे और गुड्स बना रहे हैं जिसको आप बेच रहे हैं, बट जो कैपिटल गुड है उसको आप नहीं बेचेंगे, डैट इज़ योर फाइनल गुड, ठीक है। वो एक प्रोड्यूसर का फाइनल गुड होता है, ठीक है। सो आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा। सो दीज आर द कैपिटल गुड्स एंड द ग्रेजुअली अंडरगो वेयर एंड टीयर। देखो जो कैपिटल गुड होता है, जो मैंने अभी मशीनरी बताई, इसमें आप पर्टिकुलरली वेयर एंड टीयर करते हैं। सपोज जब आपका माइक्रोवेव है तो आप उस माइक्रोवेव को यूज़ तो करोगे, अगर पर्टिकुलर चीज़ को आप जब बार बार यूज़ करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ यू नो उसकी जो उसका जो पर्टिकुलर रेट है वो उसमें धीरे 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 कमी आना शुरू हो जाएगा, उसको रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ जाती है या फिर रिप्लेस भी करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो वो जो आपकी उस पर्टिकुलर कैपिटल गुड में उसके अमाउंट में धीरे धीरे कमी आ जाती है, कम होने लग पड़ता है, डैट इज़ डेप्रिसिएशन। सपोज टेक एन एग्जाम्पल, आप एक कार खरीदते हो और उस कार की जो लाइफ है डैट इज़ फॉर 10 ईयर, ठीक है। तो सपोज आपने आज वो कार 2 लाख की खरीदी है, तो 5 साल के बाद उसकी वो अमाउंट 2 लाख ही नहीं रह जाएगी ना, वो कम होकर 1 लाख हो जाएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ वियर एंड टीयर, एंड दिस वियर एंड टीयर इज अल्टीमेटली द डेप्रिसिएशन। ओके, यस। सो एक जो कैपिटल गुड का एक बहुत कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि दे आर ड्यूरेबल। देखो जो हमारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं, ये चार डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। उन चार डिफरेंट टाइप्स में से एक जो जो कैपिटल गुड होता है डैट इज ड्यूरेबल, ठीक है। कैपिटल गुड जो है वो एक ड्यूरेबल गुड होता है, बिकॉज देखो जो आपका कंज्यूमर गुड्स होता है या कंजप्शन गुड्स होता है उनको हम चार डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर देते हैं, विच आर ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और द नॉन मटीरियलिस्टिक गुड्स, ठीक है। ड्यूरेबल गुड्स जिसका काफ़ी बड़ा टाइम स्पेन होता है, सेमी ड्यूरेबल का जिसका ज़्यादा बड़ा टाइम स्पेन नहीं होता, विच इज़ अबाउट 1 to 2 ईयर्स और लेस, जबकि ड्यूरेबल गुड्स का जो ईयर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। जबकि नॉन ड्यूरेबल गुड्स इज़ फॉर सिंगल टाइम यूज़ और नॉन मटेरियल तो गुड्स होते नहीं है, दे आर सर्विसेज, ठीक है। तो एक कंज्यूमर गुड्स और जो कैपिटल गुड्स है उनका जो एक बहुत जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वो है दे आर ड्यूरेबल, ठीक है। इसीलिए वो वेयर एंड टीयर होते हैं उनमें, क्योंकि सपोज आप एक टीवी बाय करते हो, ठीक है, आप उस टीवी को देखते हो तो आप उसको यूज़ करते हो तो पर्टिकुलर कुछ साल के बाद उसकी रेट कम हो जाएगा, राइट, ये तो नॉर्मल चीज़ है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, उसके पीछे का जो मेन रीज़न है दैट इज़ डेप्रिसिएशन। ओके, सो कभी कभी आपको चीज़ें रिप्लेस करनी पड़ जाती है उसके, या फिर उसको रिपेयर करना पड़ जाता है, ठीक है। इसीलिए ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, बिकॉज इनको धीरे धीरे मेंटेन की ज़रूरत होती है, इनको रिन्यू करना पड़ता है, ठीक है। और जो भी आप फाइनल गुड्स को फाइनल गुड्स के कंजप्शन के लिए आप जो गुड यूज़ करते हो डैट इज़ द इंटरमीडिएट गुड्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। दीज आर नॉट द फाइनल गुड्स, ये चीज़ याद रखनी है। सो आपका जो फाइनल गुड होता है ये दो डिफरेंट तरीके से आप रख सकते हो, या दो डिफरेंट स्टाइल में आप बोल सकते हो, डिवाइड कर दिया, डैट इज़ स्टॉक एंड फ्लोस। एस जैसे इनका नाम है वैसे ही इनका नेचर है, कुछ डिफरेंट नहीं है। स्टॉक्स क्या होता है? स्टॉक इज इन्वेंट्री एंड फ्लो इज समथिंग विच इज कॉन्टिन्यूस, राइट। देखो फ्लो एक
फ्लो है जो कि टाइम के साथ चलता ही जाता है. जैसे पानी होता है ना, देर इज़ अ फ्लो इन द वाटर. वो पर्टिकुलरली वो चलता ही रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, मतलब अगर कोई भी सपोज जैसे आपकी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जब कोई चीज़ स्पेसिफाई कर दी जाती है और वो कॉन्टिन्यूस होती है, दैट इज़ फ्लो. ठीक है, फ्लो आर डिफाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जबकि इनके बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में आर द स्टॉक्स, जैसे कैपिटल गुड्स हो गए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गए. ये आप एक बार ही बाय करते हो, ठीक है, यू बाय इट वंस और वो काफ़ी टाइम तक चलता रहता है. ठीक है, जबकि जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो प्रोडक्शन के बहुत सारे साइकिल्स के थ्रू सर्व होते हैं. ठीक है, जैसे एक बिल्डिंग है, मशीन है जो फैक्ट्री में यूज़ किया जाता है, उसको आप ऐसे हर साल नहीं खरीदते. दैट इज़ नॉट फॉर इन्वेंट्री, डैट इज द स्टॉक जो आप रखते हैं. ठीक है, दीज आर द स्टॉक्स. स्टॉक्स आर डिफाइंड एज अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है. इट विल बिकम ईजियर इफ आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. लाइक टैंक होता है ना, अ वाटर टैंक. तो वाटर टैंक में जो पानी है, डैट इज स्टॉक, वो स्टॉक है. ठीक है, जबकि आपके टैप से जो पानी निकल रहा है, द पानी डैट इज कमिंग फ्रॉम योर टैप, डैट इज फ्लो. ओके, तो वो पानी जो है वो कंटिन्यूसली आता ही रहेगा ओवर अ टाइम, जबकि स्टॉक एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, डैट इज़ ऑन योर टैंक. ठीक है, आपके टैंक में जो पानी है वो स्टॉक है, और आपके नलके से जो पानी निकल रहा है, आपके नल से जो पानी आ रहा है, डैट इज़ फ्लो. ओके, एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं. जैसे आपकी समथिंग लाइक, अगर मैं बोलूं कि जो वेल्थ होती है हमारी, ठीक है, हमारी वेल्थ इज स्टॉक, जबकि जो हमारी सप्लाई ऑफ मनी होती है ना, कोई भी कंट्री में जो सप्लाई ऑफ मनी होती है, डैट इज़ फ्लो. वो रुकती नहीं है. आपकी जो इनकम है, जो आपकी इनकम होती है, ऑफ आपकी इनकम तो पर मंथ आती है, पर मंथ या फिर क्वार्टरली या फिर वंस इन अ ईयर, डैट इज़ कॉन्टिन्यूस. वो एक पर्टिकुलर टाइम पे आएगी ही आएगी. ठीक है, वो चलती ही रहती है ओवर अ टाइम पीरियड. सो डैट इज़ वाई डैट इज़ फ्लो. जबकि आपकी कैपिटल विच इज़ डिफाइंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जो आपकी कैपिटल है उसको आप एक बार इंट्रोड्यूस कर देते हो, राइट, डैट इज़ वाई डैट इज़ स्टॉक. ओके, ठीक है, अगर हम उसी डिस्कशन में आते हैं, हमारे फाइनल आउटपुट को मेजर करने वाला, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो कैपिटल गुड्स है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. हमारी जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है कंट्री की, उसमें कैपिटल गुड्स को कंप्राइज किया जाता है. ठीक है, बिकॉज जो हमारी कैपिटल गुड्स है उससे हम आगे फाइनल गुड्स बनाते हैं, राइट. नेक्स्ट नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट इज दैट. अगेन, जो भी हमारी जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से जब हम डेप्रिसिएशन रिड्यूस कर देते हैं, तो जो हमारा बच जाता है, डैट इज़ नेट इन्वेस्टमेंट. हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से डेप्रिसिएशन, जो भी वियर और टीयर का जो भी लॉस है, उसको हटा देते हैं, उस डिलीशन को वो डिलीट कर देते हैं फ्रॉम आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. द रेस्ट रिमेनिंग इज नेट इन्वेस्टमेंट. ओके, नथिंग मोर देन दैट, नथिंग लेस देन दैट. अब देखो, कोई भी कंज्यूमर क्या चीज़ खरीदता है, कितना खरीदता है, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द कैपेसिटी, क्या उसकी इनकम है, कितना वो खरीद सकता है. ऑन द अदर पार्ट ऑफ द फाइनल गुड्स, द कैपिटल गुड्स आर परचेज बाय द बिजनेस एंटरप्राइज. जो कंज्यूमर गुड्स है वो कंज्यूमर खरीदता है. मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, द कंज्यूमर गुड इज़ कंज्यूम्ड बाय अ फाइनल कंज्यूमर. जबकि जो कैपिटल गुड है, कैपिटल गुड इज़ कंज्यूम्ड बाय अ प्रोड्यूसर. ओके, एक इकोनॉमी में एक प्रोड्यूसर, इकोनॉमी में प्रोड्यूसेस मोर ऑफ कंज्यूमर गुड एंड इट इज़ प्रोड्यूसिंग लेस ऑफ कैपिटल गुड. अगर कोई भी इकोनॉमी में कंज्यूमर गुड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो कैपिटल गुड कम होता है, और अगर कैपिटल गुड ज़्यादा तो कंज्यूमर गुड कम. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सो जस्ट बी वेरी अटेंटिव. ठीक है, सो हमारा
कोई भी इकोनॉमी है ठीक है, उसमें हमारी जो इनकम है बेसिकली वो ना एक सर्कुलर फ्लो में काम करती है। इस सर्कुलर फ्लो को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ आपको बता देती हूँ पॉइंट्स, विच इज़ ए, जिसमें कंट्रीब्यूट मतलब हमारा कंट्रीब्यूशन जो कि ह्यूमन लेबर और रेम्यूनरेशन मिलता है डैट इज़ वेज, जो आप लेबर को देते हो डैट इज़ वेज, उसके अलावा जो आप कैपिटल के बदले में देते हो डैट इज़ इंटरेस्ट, राइट। उसके अलावा जो एंटरप्रेन्योरशिप में हमें मिलता है रेम्यूनरेशन डैट इज़ प्रॉफिट, और जो फिक्स्ड नेचुरल रिसोर्स होता है उसके रेम्यूनरेशन में हमें क्या मिलता है, रेंट, ठीक है, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रेंट, ठीक है। सिंपल इकोनॉमी में एक जो भी मतलब हाउस होल्ड जो भी अपनी अर्निंग डिस्पोज ऑफ करता है वो किस में करता है, चीज़ें खरीदने में। हेयर इज़ द मैप, विल नॉट अ मैप बट द सर्कल, इससे हम समझते हैं, ठीक है। दिस इज़ फर्म एंड दिस इज़ अ हाउस होल्ड। एक हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ पेमेंट प्रोवाइड करता है फर्म को, ठीक है, लेबर हो गया, कौन प्रोवाइड करेगा, हाउस होल्ड। उसके बदले में फर्म प्रोवाइड करती है गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड, बट हाउस होल्ड स्पेंड करता है उनको खरीदने के लिए, स्पेंड करता है हाउस होल्ड फर्म के लिए, ठीक है। तो ये जो हाउस होल्ड स्पेंड करता है फर्म के लिए डैट इज नोन एज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ओके, यहाँ पे देखो। और जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म हाउस होल्ड को प्रोवाइड करती है, और हाउस होल्ड ही रिसीव करती ना, हाउस होल्ड ही तो इसको लेती है, दिस इज एग्रीगेट कंजप्शन, इसको हम एग्रीगेट कंजप्शन बोलते हैं। जबकि देखो, जब एक हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है फर्म को, फर्म उसके बदले में वेजेस वापस करती है या फिर रेमुनरेशन वापस करती है, तो ये जो हमें वापस मिलता है फैक्टर पेमेंट, दिस इज द, ये हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में मिलता है, ठीक है। सो डैट इज ऑल्सो द एग्रीगेट पेमेंट, या फिर एग्रीगेट हमें जो पे फर्म पे करती है, ठीक है। सो यहाँ पे लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट। देखो यहाँ पे फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी हाउस होल्ड को, सबसे पहले हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा फर्म को, फर्म उसके बदले में हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, इन गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में हाउस होल्ड फर्म को पे करेगा, और जो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड ने फर्म को दी, फर्म उसके बदले में हमें फैक्टर ऑफ पेमेंट देगा, ठीक है, मतलब पेमेंट देगा जो कि हमने फैक्टर लिए उसके बदले में। व्हेन जो भी इनकम गुड्स और सर्विस के लिए हम स्पेंड करते हैं डैट इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। सो हियर अब हम बोल सकते हैं कि जो अपर मोस्ट फ्लो है एट पॉइंट ए, पॉइंट ए, सो हियर इज पॉइंट ए, जिसमें हाउस होल्ड स्पेंड करता है फर्म के लिए, ठीक है। दिस पॉइंट ए को हम मेजर कर सकते हैं एग्रीगेट वैल्यू ऑफ स्पेंडिंग। तो इसको जब हम ये डिस्कस करते हैं, इससे पता करते हैं कि कितना हमारा एक्सपेंडिचर, कितना हमारा मतलब वो है, ठीक है, मतलब हम बेसिकली इससे पता करते हैं कि कितना हमारा, हम इससे मतलब वो मेजर कर सकते हैं कि कितना वैल्यू ऑफ स्पेंडिंग है, डैट इज एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। सेकेंडली पॉइंट बी में, व्हाट वाज द पॉइंट बी, पॉइंट बी में फर्म गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हाउस होल्ड को, तो ये वाला जो मेथड है डैट इज प्रोडक्ट मेथड, और पॉइंट सी जिसमें फर्म फर्म पे कर रहा है वापस हाउस होल्ड को डैट इज इनकम मेथड, ठीक है, ठीक। सो अगर हम सपोज करें एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम द हाउस होल्ड डिसाइड टू स्पेंड मोर देन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म, अगर कोई भी हाउस होल्ड उस गुड्स और सर्विसेज पे जो वो फर्म प्रोड्यूस करती है उस पे ज़्यादा पैसे खर्च करना चाहता है, तो वो फर्म और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा ताकि उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिले, एक्स्ट्रा रिमुनरेशन मिलेगा। देखो अगर कोई भी हाउस होल्ड है जो कि ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है किसी भी फर्म के लिए, तो बदले में फर्म उसको ज़्यादा ही पे करेगी हाउस होल्ड को, बिकॉज ऑफ द रिमुनरेशन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट। तो जितना एक हाउस होल्ड खर्च कर रही है फर्म के लिए उतना ही ज़्यादा उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वापस मिलेगा, ठीक है।
एक हाउस होल्ड को एक्स्ट्रा अर्निंग मिलेगी अगर वो एक्स्ट्रा स्पेंड करता है, ठीक है? जितना एडिशनल एक हाउस होल्ड स्पेंड करेगा उतना ही एक्स्ट्रा अर्निंग उनको मिलेगा, ठीक है? इन द एंड ऑफ द इनकम विल रन एग्जैक्टली द अमाउंट ऑफ नेसेसरी टू कैरी आउट एक्स्ट्रा स्पेंडिंग। हाँ, और वो उतना ही एंड अप करेंगे, जब एंड होगा सर्कल तो उनके पास उतना ही अमाउंट होगा जितना वो खर्च करना चाहते थे, ठीक है? पुटिंग इन डिफरेंटली, एट एन इकोनॉमी मे बी डिसाइड टू स्पेंड मोर देन द प्रेजेंट लेवल ऑफ इनकम बाई डूइंग सो, द इनकम विल इवेंचुअली राइज टू अ कंसिस्ट टू द लेवल कंसिस्टेंट इन द हायर स्पेंडिंग लेवल। ओके, तो ये जो अभी हमने ऊपर एक स्केची इलस्ट्रेशन पढ़ा, इसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल। ये बेसिकली हमें एक इमेजिनरी, एक हाइपोथेटिकल, वो स्टोरी बता देता है, एक स्केच बना देता है हमारे माइंड में ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है? डैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल। इकोनॉमिक्स में ऐसे बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल है, बट जो इकोनॉमिक्स है उनका मेन टास्क है इनमें से स्टडी करना कि रियल लाइफ सिचुएशन कैसा है, ठीक है? अब ए बी हो या सी, जब चाहे जितने भी कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक सिस्टम हो, ये तीन चीज़ें तो होगी ही होगी, ठीक है? क्योंकि एक फर्म के लिए कोई भी हाउस होल्ड फर्म को खर्चा करेगा ही करेगा अपने अपनी चीज़ें पूरी करने के लिए, बदले में फर्म भी उनको पे करेगी ही करेगी। ए बी या सी, ये तीनों चीज़ें होंगी ही होंगी, ठीक है? अब हमने जो ये जो तीन मेथड डिस्कस किए इकोनॉमी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है? सो अब इन्हीं को हम डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है द प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। सो इधर हम एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ते हैं, ठीक है? सपोज करो कि एक जगह है जहाँ पे सिर्फ दो ही टाइप के प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है? एक है फार्मर और दूसरा है बेकर, ठीक है? अब एक जो भी वीट प्रोड्यूसर है, फार्मर, ठीक है, उसको वो कितना इनपुट, मतलब उसको और कुछ तो नहीं चाहिए होगा ह्यूमन लेबर के अलावा वो वीट प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद जितना वीट वो प्रोड्यूस करेगा उसके अकॉर्डिंग वो बेकर को भी बेच देगा एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है? सपोज करो कि एक फार्म जो फार्मर था, उन्होंने टोटल वीट जो प्रोड्यूस किया डेट वॉज द रेट ऑफ 100 रुपीज़, ठीक है? 100 रुपये का उन्होंने वो वीट प्रोड्यूस किया, ठीक है? जबकि उनमें से 50 रुपये का उन्होंने सेल कर दिया टू द बेकर, ठीक है? और बेकर ने इस अमाउंट से, मतलब थ्रू आउट द ईयर वीट कम्प्लीटली यूज़ किया और 200 रुपये तक की ब्रेड बना दी, ठीक है? अब टोटल प्रोडक्शन क्या होगा इकोनॉमी का? अगर हम एक सिंपल एग्रीगेशन वैल्यू देखें तो हम 200 रुपीज़, क्योंकि 200 रुपीज़ इन्होंने बनाया था और 100 रुपीज़ 100 रुपीज़ जो है वो फार्मर ने बनाया था, तो रिजल्ट होना चाहिए 300, बट नो, दिस इज़ द रॉन्ग एग्रीगेशन। बिकॉज देखो, जो बेकर है उन्होंने 200 रुपीज़ का 200 रुपीज़ का जो है वो ब्रेड बनाया, बट उसमें से जो 50 रुपीज़ था डैट वॉज द चार्ज ऑफ द वीट, उन्होंने वीट भी खरीदा तो 50 रुपीज़ का तो चार्ज तो वहाँ से चला गया, सो वी विल रिड्यूस डैट 50 रुपीज़। तो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन बेकर ने दिया वॉज 150, ठीक है? और कितना प्रोडक्शन और कितना जो प्रोडक्शन है वो उन्होंने दिया था फार्मर ने वॉज 100 रुपीज़। सो विल एड 100 प्लस 150 विच इज इक्वल टू 250 रुपीज़। ओके, सो यहाँ पर जब ने हम इन दोनों का एक नेट कंट्रीब्यूशन ऐड किया ऑफ बोथ ऑफ द फर्म, जो चीज़ हमें मिली वॉज द वैल्यू एडेड, ठीक है? देयरफॉर वैल्यू एडेड ऑफ द फर्म इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फर्म। जितना वैल्यू फर्म ऐड करता है उतना ही वो हमने प्रोड्यूस किया होता है, ठीक है? जैसे हमारे फोर फैक्टर्स है, जैसे कि लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एंड लैंड, तो जो वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट होगा वो होगा वैल्यू एडेड, और वो वैल्यू एडेड एक फ्लो वेरिएबल होता है, ये चीज़ याद रखनी है। फ्लो फ्लो जो वैल्यू वो ऐड करेगा वो फ्लो में ऐड करता है, ओके, डैट इज़ इन द फ्लो। अगर हम जो हमारा वैल्यू एडेड है, जो हमने वैल्यू ऐड किया अभी, हमने जो वैल्यू ऐड की उससे अगर हम डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करें, जो भी डेप्रिसिएशन था उसको भी अगर हम इसमें इंक्लूड कर दें, द थिंग विल गेट वो विल बी GVA, मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड। और अगर हम डेप्रिसिएशन का जो वैल्यू है, डेप्रिसिएशन का वैल्यू अगर हम GVA से रिड्यूस कर दें, द थिंग विल गेट विल बी नेट वैल्यू
एडेड. ओके, हियर फॉर एग्जाम्पल लेट से अ फर्म प्रोड्यूस 100 रुपीज़. उन्होंने 100 रुपीज़ का ग्रोथ, 100 रुपीज़ का गुड्स वो पर ईयर प्रोड्यूस करते हैं, मतलब 100 रुपये का गुड वो प्रोड्यूस करते हैं पर ईयर, जिसमें से 20 रुपीज़ का जो वैल्यू है डैट इज़ ऑफ इंटरमीडिएट गुड, ठीक है, और 10 रुपीज़ जो है वो कैपिटल कंजप्शन का है. द ग्रॉस वैल्यू एडेड टू द फर्म विल बी 100 रुपये से हम 20 रुपीज़ रिड्यूस कर देंगे बिकॉज डैट इज़ ऑफ डैट इज़ ऑफ इंटरमीडिएट गुड. द अंदर जो हमें मिलेगा डैट विल बी 80 रुपीज़ पर ईयर, जबकि जो 10 रुपीज़ है वो कैपिटल कंजप्शन का है. जो कैपिटल का जो कैपिटल होता है उसका हम डेप्रिशिएशन हटा देते हैं, ठीक है, विल रिड्यूस द डेप्रिशिएशन विच इज़ 10%, सॉरी 10 रुपीज़, एंड द लेस द एंड विल गेट विल बी 70 रुपीज़ पर ईयर, ठीक है, एंड दिस इज़ आर नेट वैल्यू एडेड, ठीक है. In economics, the stock of unsold finished goods or semi-finished goods of the raw material which a firm carries from one year to the next year is called the inventory. Suppose you are a cloth manufacturer, ठीक है, आप क्लोथ मैन्युफैक्चर करते हो. सो आपने इस साल 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दिए, बट आपको पता चलता है कि मार्केट में डिमांड है सिर्फ 80 यूनिट्स की, तो आप 80 यूनिट्स जो है वो मार्केट में बेच देते हो. बचे हुए 20 यूनिट्स यू विल सेव फॉर द अपकमिंग ईयर, फॉर द नेक्स्ट ईयर. सो दिस 20 यूनिट्स इज गोना बी द इन्वेंट्री. ये जो आप सेव करके रख रहे हैं, बचा के रख रहे हैं, स्टॉक करके रख रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, दिस इज इन्वेंट्री. ओके, सो the change of inventories of the firm during a year is equal to production of the firm. मतलब जो हमारा product, इसमें भी suppose 80 units आपने दे दी, but 80 units में से सिर्फ 75 units ही बिकी, 5 units बच गई, the 5 units will be added in the inventory. तो आपका ये 25 units बन जाता है, एंड में 25 units होंगे आपके पास इन्वेंट्री में, ठीक है. तो आपने कितना प्रोड्यूस किया उसमें से कितना बेच दिया उसको अगर आप रिड्यूस करें तो आपको मिल जाएगा आपकी इन्वेंट्रीज, मतलब प्रोडक्शन ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर सब्ट्रैक्टेड बाय द सेल ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर. सपोज जैसे मैंने आपको बताया आपने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, उसमें से 75 यूनिट्स बेच दिया, द रेस्ट विल बी 25 एज जो बच गया 25 डेट विल बी योर इन्वेंट्री. ओके, सो कभी कभार आपकी इन्वेंट्रीज में जो चेंज होते हैं वो अनप्लान्ड हो सकते हैं. अनप्लान्ड अक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज एंड अनप्लान्ड डिक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज. सपोज आपने 120 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, ठीक है, 120 यूनिट्स में से आपको पता था कि 100 यूनिट्स तो बिक ही जाएंगे, ठीक है, और 100 यूनिट्स बिक भी गए, तो ये तो सब कुछ वैसा हुआ जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था, जो आपने प्लान किया था, ठीक है. बट आपने 120 प्रोड्यूस किया था और आपने सोचा उसमें से 100 तो बिक ही जाएंगे, बट सिर्फ 80 यूनिट्स ही बिके, 80 यूनिट्स ही बिके, सॉरी बिके, तो इसका मतलब है जो बचा हुआ 20% है वो तो अनएक्सपेक्टेड था, वो तो अनसोल्ड रह गया, ठीक है, वो तो नहीं बिकना चाहिए था, बट वो मतलब वो तो बिक जाना चाहिए था बट वो नहीं बिका. डैट इज अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज. तो 20 यूनिट्स आपके पास रह जाएंगे एज इन्वेंट्री. बट ऑन द सेम हैंड सॉरी ऑन द अदर हैंड मानो आपने 120 यूनिट्स प्रोड्यूस किया और आपको लगा कि ठीक है 120 है, 120 के 120 बिक जाएंगे, बट 120 के अलावा ये तो बिक गए बट और भी चाहिए, अभी और भी सेल्स की डिमांड है. ऐसे सिचुएशन में आपके पास तो आपके यूनिट्स कम पड़ गए, दैट इज अनप्लान्ड डिक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज. ओके, दिस इज द सेम एग्जाम्पल विच आई हैव गिविन टू यू. सो उसके अलावा प्लान्ड एक्यूमुलेशन और डिक्यूमुलेशन भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया जब आपको लगता है, आपने एक्सपेक्ट किया होता है, आपने प्लान किया होता है कि अगर मैं 1000 शर्ट बना रहा हूँ तो 900 जो है वो तो बिक ही जाएंगी, उनमें से 100 बच सकती है, डैट इज प्लान्ड एक्यूमुलेशन. जबकि ऑन द अदर हैंड आपको लगता है कि आपने 1000 शर्ट बनाई है बट शायद 1100 शर्ट की 1100 शर्ट की डिमांड आ सकती है, तो जो 100% हो जाएगा वो डेट विल बी डेक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज, वो प्लान्ड होगा, डेट विल नॉट बी द अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन. ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर. अब जो नेक्स्ट मेथड है डेट इज एक्सपेंडिचर मेथड. अब यहां पे देखो ये एक अलग तरीका, दिस इज द अल्टरनेटिव वे टू कैलकुलेट द GDP. इसमें अगर हमें डिस्कस करना है, देखो सपोज इन द फार्म बेकर जो हमने अभी पढ़ा, द
एग्रीगेट वैल्यू ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी एक्सपेंडिचर मेथड विल बी कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग वे. ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे कि दिस मेथड विल ऐड द फाइनल एक्सपेंडिचर डैट ईच फर्म मेक. दोनों फर्म कितना एक्सपेंडिचर करती हैं, ठीक है, कितना फाइनल एक्सपेंडिचर करती हैं, डैट इज गोना बी द मेथड. तो सपोज जो 50 रुपये का जो वीट है वो तो बेकर खरीदते हैं फार्मर से, है ना, उसको तो हम एज ए इंटरमीडिएट गुड लेते हैं. ठीक है, हेंस ये वो फाइनल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में नहीं गिरेगा. देयरफॉर द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी इज 200. 200 द आउटपुट था. ठीक है, सो इसमें हम जो फाइनल एक्सपेंडिचर था उससे हम फाइनल एक्सपेंडिचर रिसीव्ड बाय द फार्मर इसको हम ऐड करेंगे. 200 का जो फाइनल एक्सपेंडिचर है वो तो बेकर ने ही किया, उसके अलावा जो फार्मर है उसने भी तो 50 रुपये का एक्सपेंडिचर किया ना, डेट 50 रुपीज एक्सपेंडिचर बाय द फार्मर को हम ऐड करेंगे. सो दिस इज गोना बी 250 रुपीज. ठीक है, इसमें हम एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे, ये कितना एक्सपेंडिचर हम करते हैं. ओके, सो इधर अगर हमें निकालना है, ठीक है, सो द सम टोटल ऑफ रेवेन्यू, सो इट इज गोना बी सम टोटल ऑफ कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एंड एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर. ठीक है, जब हम कंजप्शन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट और एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर को आपस में ऐड करेंगे देन विल गेट द, ठीक है, हमें मिल जाएगा कि कितना एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं. ठीक है, सो इधर जो जी है, जो हमने एक्स पढ़ा, व्हाट वाज द एक्स, सॉरी नॉट जी, सो इसमें हम लिख सकते हैं सी प्लस वन प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. ओके, इधर इट वॉज एक्स, सो वट इज एक्स, एक्स इज एक्स माइनस एम. ओके, सो इसको हम सेम सिचुएशन को ऐसे भी लिख सकते हैं. अब जो नेक्स्ट मेथड है डैट इज़ इनकम मेथड. हमने अभी तक पढ़ लिया प्रोडक्शन एंड एक्सपेंडिचर, द नेक्स्ट इज़ इनकम. ठीक है, इनकम मेथड इज सिंपली स्टेट करता है, इनकम मेथड में हम ऐड करते हैं कि क्या क्या, मतलब हम जो भी चीज़ें हम वो करते हैं, जैसे कि हमारी जो वेज है उसके अलावा हमारा इंटरेस्ट रेट, हम जो भी हम रेंट पे करते हैं, जो भी हम प्राइस पे करते हैं, ठीक है, इन सभी को जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है हमारा GDP. ओके, यस, सो डैट इज़ इट. इधर अगर आप इधर देखेंगे तो आपको इन तीनों मेथड से पता चल जाएगा कि GDP क्या है. सो हेयर GVA का सम, GVA से डेप्रिसिएशन अगर हम ऐड कर देंगे तो भी हमें GDP मिल जाता है. इधर प्राइस प्लस इंटरेस्ट रेट प्लस जो भी हम रेंट देते हैं और जो भी वेजेस देते हैं, इनको अगर हम ऐड करें तो ये इनकम मेथड है, दिस इज़ अ प्रोडक्ट मेथड. एक्सपेंडिचर में एक्स माइनस एम, जी आई एन सी. ओके, इनको हम आपस में डिस्कस करते हैं. यस, सो जो नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो है फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइसेस. जो इंडिया, जो नेशनल इनकम का जो बहुत सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड मेजर्स है, जो जो कि GDP है एट द फैक्टर कॉस्ट. देखो, जो हमारा सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन रिपोर्टिंग दैट GDP को हम फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइजेस दो फैक्टर्स में चेक करते हैं. ठीक है, इन द रिविजिशन इन जनवरी 2015 द CSO replaced GDP एट फैक्टर कॉस्ट विद GVA. जब 2015 में GVA को रिप्लेस कर दिया गया एट GDP एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, और तो फिर हमारे पास दो चीज़ें रह जाती हैं, विच वॉज GDP एट फैक्टर कॉस्ट एंड GDP एट मार्केट प्राइजेस. ठीक है, GVA क्या है ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. सो अब हम पढ़ते हैं आगे के कुछ टॉपिक्स, कुछ बेसिक प्राइस कॉन्सेप्ट. जैसे कि जो फैक्टर कॉस्ट है, द डिस्टिंग्विश बिटवीन द फैक्टर कॉस्ट एंड बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइस इज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन द नेट प्रोडक्शन टैक्सेस एंड द नेट प्रोडक्ट टैक्सेस. देखो, मतलब जो भी प्रोडक्शन टैक्सेस सब्सिडीज है जो पे और रिसीव किए जाते हैं इन रिलेशन टू द प्रोडक्शन एंड आर इंडिपेंडेंट ऑन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड रेवेन्यू स्टैम्प रजिस्ट्रेशन फी एक्सेट्रा. यहाँ पे देखो, जो फैक्टर कॉस्ट है वो इंक्लूड करते हैं पेमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये किसी भी टाइप का टैक्स नहीं इंक्लूड करते हैं, फैक्टर कॉस्ट में किसी भी टाइप का टैक्स नहीं इंक्लूडेड होता है. ठीक है, इन ऑर्डर टू अराइव द मार्केट प्राइजेस वी एड टू फैक्टर कॉस्ट इन टोटल इनडायरेक्ट टैक्स. जबकि हम फैक्टर कॉस्ट में जो है वो कोई भी, मतलब हमें अगर उसको वो करना पड़ेगा, ठीक है, अगर हमें
उसमें सारे, अगर हम टैक मतलब फैक्टर कॉस्ट में हम किसी भी टाइप के प्रोडक्शन ही यूज़, प्रोडक्शन के जो पेमेंट होते हैं वही यूज़ करते हैं, किसी टाइप के टैक्सेस उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट, जीवीए को अगर हम फैक्टर कॉस्ट में, उसमें अगर हम जीवीए जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें अगर हम नेट प्रोडक्शन टैक्सेस को ऐड करेंगे तो हमें जीवीए एट बेसिक प्राइस मिलेगा, जबकि अगर हम जीवीए एट बेसिक प्राइस में नेट प्रोडक्ट टैक्सेस को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा जीवीए एट मार्केट प्राइस। ओके, अब हम पढ़ते हैं कुछ बेसिक, कुछ सम माइक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज। जीडीपी क्या होता है, हमने पहले काफ़ी बार डिस्कस कर चुका है। जीडीपी इज द मेजर ऑफ एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, डोमेस्टिक इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर। एक बात याद रखनी है कि जीडीपी एक किसी कंट्री की जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज होती है उसके अंदर ही होती है। सपोज टेक एन एग्जाम्पल कि कोई भी इंडियन सिटीजन है, अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो सऊदी अरेबिया में काम करता है, ठीक है, और अपनी एज वहीं से, अपनी जो उसको वेज है वो वहीं से मिलती है, उससे इंडिया की जीडीपी में नहीं, उससे सऊदी अरेबिया की जीडीपी में ही इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है। बट वो है तो इंडियन, बट ऐसी बात नहीं है कि वो जीडीपी की, उसकी जो जीडीपी है वो सऊदी अरेबिया में ही इंक्रीमेंट होगी, इंडिया में नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा जो कि इट इट विल बी इंक्लूडेड, सॉरी, इज देयर द वे टू टेक द इनटू अकाउंट ऑफ द अर्निंग मेड बाय इंडियन अब्रॉड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओन बाय इंडियन। व्हेन वी ट्राई टू डू दिस इन मेड टू मेंटेन सिमेट्री, वी मस्ट डिडक्ट द अर्निंग ऑफ द फॉरन हु आर वर्किंग विद इन आवर डोमेस्टिक कंट्री। अगर हमें वो सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है कि जो हमारे इंडियंस बाहर जाके काम करते हैं, वो जो प्रोडक्शन करते हैं, अगर वो हमें अपने हमारी जीडीपी में ऐड करना है, उसके बदले में हमें वो सारी जीडीपी रिड्यूस करनी पड़ेगी जो फॉरेनर्स इंडिया में आके बनाते हैं, ठीक है। मतलब सपोज कि टेक एन एग्जांपल ऑफ कोरिया एंड इंडिया, कोई भी इंडियन अगर कोरिया में जाके काम करता है तो कोरिया की जीडीपी में इंक्रीमेंट होगा, बट अगर हम चाहते हैं कि ये जीडीपी कोरिया की जगह में नहीं जबकि इंडिया में ही आए, तो अगर कोरिया के जो लोग इंडिया में काम करते हैं हमें वो जीडीपी रिड्यूस करनी पड़ेगी। ओके, तो फॉर एग्जांपल जो भी कोरियन ओन्ड ह्युंडई कार है जो इंडिया में आके मैन्युफैक्चर होती है, उसकी जीडीपी हमें इन डिक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल विच टेक्स इनटू अकाउंट सच एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब हम ये सारी एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ कर देते हैं, जो हमें एंड में मिलता है डैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीएनपी में, जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेट प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीडीपी प्लस फैक्टर इनकम बाय डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द फैक्टर प्रोडक्शन इन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एम्प्लॉयड इन डोमेस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। मतलब और हैंस जी एन पी इज इक्वल टू जी डी पी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अगर हम डेप्रिसिएशन को जी एन पी से, हमारी जी एन पी से विच इज़ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इससे अगर हम डेप्रिसिएशन हटा दें, जो हमें एग्रीगेट इनकम मिलता है डैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि एनएनपी, यानी कि एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। इफ वी गेट वैल्यू ऑफ एनएनपी इवेल्यूएटेड एंड मार्केट प्राइस, बट मार्केट प्राइस इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्सेस, हमें एनएनपी मार्केट प्राइस में ही एवेल्यूएट करना पड़ता है, बट मार्केट इसमें डिफरेंट टाइप के टैक्सेस भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। सो हेयर द जो हमारी एनएनपी होती है वो भी फैक्टर कॉस्ट पे, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम, इसको हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। सो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेशनल इनकम विच इज इक्वल टू एनएनपी एट मार्केट प्राइजेस रिड्यूस्ड ऑल द इनडायरेक्ट, मतलब ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। सो देर इज इक्वल टू एनएनपी एट मार्केट प्राइज माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, हाँ मतलब एन एन पी एट मार्केट प्राइस माइनस ऑल जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनको हमें रिड्यूस करना पड़ता है, ठीक है, तभी हमें मिलेगा हमारा नेशनल इनकम। अगर हमें एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट जानना है तो हमें हमारे जो भी मार्केट प्राइस है एन एन पी एट मार्केट प्राइस से हमें रिड्यूस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, सो हेयर
अगर हमें जानी है हमारी पर्सनल इनकम विच इज़ पी आई, तो पर्सनल इनकम इज़ इक्वल टू द नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट मेड बाय हाउस होल्ड माइनस कॉरपोरेट टैक्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट टू द हाउस होल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फर्म. ओके, जबकि पी डी आई यानी कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज़ इक्वल टू योर पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट माइनस नॉन टैक्स पेमेंट्स. ठीक है, तो हमें मिलेगी हमारी पर्सनल डेवलपमेंट इनकम विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एंड प्राइवेट इनकम, जो हमारी एन डी आई है यानी कि नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू एन एन पी एट मार्केट प्राइस प्लस अदर करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. एंड प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्यूरिंग टू द प्राइवेट सेक्टर प्लस नेशनल डेट इंटरेस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस अदर नेट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, सो इधर अगर हम बेसिक चीज़ें पढ़ें जो हमने अभी पढ़ा, सो जी डी पी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. ठीक है, जी डी पी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जी डी पी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट एंड जो भी आपका नेट इन्वेस्टमेंट है. ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइजेस इज इक्वल टू एन डी पी इज इक्वल टू जी डी पी एट मार्केट प्राइस रिड्यूस बाय सब्ट्रैक्टेड बाय डेप्रिसिएशन. एन डी पी एट फैक्टर प्राइस इज इक्वल टू NDP at market price subtracted by the net product taxes subtracted by next product in taxes. GNP at market price is equal to GDP at market price plus जो भी आपकी NFIA है उसको हम वहाँ से reduce कर देते हैं. ठीक है, so GNP at factor cost is equal to GNP at market price subtracted by the net product taxes subtracted by the next production taxes. NNP at market price is equal to GNP at market price divided by subtracted by depreciation. And NNP at market price is also equal to NDP at market price plus NFIA. NNP at factor cost is equal to or national income. NI is equal to NNP at market price subtracted by net product taxes subtracted by net production taxes. ओके, NDPFC प्लस NFIA इज इक्वल टू NNPFC. GVA एट मार्केट प्राइस इज GDP एट मार्केट प्राइज इज GVA एट बेसिक प्राइस इज GVA एट मार्केट प्राइस सब्ट्रैक्टेड बाय नेट प्रोडक्शन टैक्सेस सॉरी नेट प्रोडक्ट टैक्सेस. GVA एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GVA एट बेसिक प्राइस सब्ट्रैक्टेड बाय नेट प्रोडक्शन टैक्सेस. सो येस, डैट इज इट. एंड नाउ वी आर एट नॉमिनल एंड रियल जी डी पी. ठीक है, सो रियल जी डी पी इज द कैलकुलेशन इन अ वे डैट सच डैट द गुड एंड सर्विसेज आर एवेल्यूएटेड एट सम कॉन्स्टेंट सेट ऑफ प्राइसेज और कॉन्स्टेंट प्राइजेस. जब कॉन्स्टेंट प्राइज में हम गुड्स एंड सर्विसेज को एवेल्यूएट कर लेते हैं डैट इज रियल जी डी पी. जबकि जो नॉमिनल जी डी पी है उसको हम प्रिवेलिंग प्राइस में, प्रिवेलिंग यानी कि अभी जो करंट प्राइस है, ठीक है, उसमें हम उसको प्रिवेल कर लेते हैं, उसमें उसको एवेलिएट कर लेते हैं. जो आपकी करंट प्राइस है उसमें आप वो करते हैं. ठीक है, सपोज करो एक कंट्री जो कि सिर्फ ब्रेड प्रोड्यूस करती है, तो जीडीपी एट करंट प्राइस, जो करंट प्राइस का जो जीडीपी था वॉज रुपीज 1000. 2001 में सेम कंट्री प्रोड्यूसेस 110 यूनिट्स. 2000 में वो सिर्फ 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा था, 2001 में उन्होंने 10 यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस किए हैं. ठीक है, और उनका जो प्राइस है वो उन्होंने ₹15 पर ब्रेड कर दिया है. देयरफॉर जो नॉमिनल जीडीपी होगा 2001 का वो होगा 110 मल्टीप्लाई बाई 15, ओके, विच इज़ 1650. जबकि जो 2001 का रियल जीडीपी होगा वो 2000 के प्राइस में ही कैलकुलेट होगा, बिकॉज 2000 विल बी द बेस ईयर. सो देयर विल बी 110 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज 1100. ओके, सो और जीडीपी जो नॉमिनल और रियल जीडीपी के बीच का जो रेशियो होता है, ठीक है, जस्ट बी अंटरेटिव,
जो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के जो बीच का जो वेल नोन इंडेक्स होता है प्राइसेस का, उसको हम बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। सो हियर जीडीपी डिफ्लेटर स्टैंड्स फॉर नॉमिनल जीडीपी एंड द स्मॉल जीडीपी स्टैंड्स फॉर रियल जीडीपी। देन तो जो जीडीपी डिफ्लेटर होगा वो होगा द नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय द रियल जीडीपी। ठीक है, जो हमारा नॉमिनल जीडीपी था वो था 1650 और रियल जीडीपी था 1100 बेसिकली। सो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें जो मिलेगा इन परसेंटेज इज़ 1.50। सो 1.50 इज़ गोना बी योर जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, उसके अलावा जिससे हम मेजर कर सकते हैं चेंज ऑफ प्राइजेज इन इकोनमी वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये वो इंडेक्स है जो कि जिसमें बहुत सारे प्राइजेस, मतलब जो प्राइस है जो कि एक जो जिस मतलब किस किस प्राइस में एक कंज्यूमर उस कमोडिटी को खरीद सकता है या खरीदना चाहता है, डैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, टेक एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन इकोनॉमी विच प्रोड्यूसेस टू गुड्स। ठीक है, दो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, राइस एंड क्लॉथ। अ रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर बाय 90 केजी ऑफ राइस एंड 5 पीसेस ऑफ क्लॉथ इन अ ईयर। सपोज 2000 में, इन द ईयर 2000 द प्राइस ऑफ द किंग द प्राइस ऑफ द केजी ऑफ द राइस वॉज, मतलब एक केजी वॉज ऑफ 10 रुपीज और पीस ऑफ द क्लॉथ वॉज 100 रुपीज पर मीटर, नहीं मतलब 100 रुपीज पर पीस। ओके, तो कंज्यूमर को जो टोटल अमाउंट खर्च करना पड़ता था वॉज 10 × 90 विच वॉज 900 ऑन राइस इन 2000। ठीक है, सिमिलरली वो 100 × 5 ₹500 वो खर्च करती थी हर साल क्लॉथ के लिए। तो वो टोटल कितना खर्च करती थी, डेट वॉज डेट विल बी 900 + 500 विच इज 1400। तो जो टोटल वो खर्च करती थी डेट इज 1400। ठीक है, उसके बाद सपोज करो कि जो राइस का जो प्राइस था और क्लोथ का जो प्राइस था वो इंक्रीज कर जाता है 15 और 120 में इन द ईयर 2005, 5 साल के बाद इन्फ्लेशन। ठीक है, तो उसी सेम क्वांटिटी के राइस और क्लोथ खरीदने के लिए उसको 1350 और 600 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली खर्च करना पड़ता था, पड़ेगा मतलब। ठीक है, तो उनका जो सम होगा डेट इज गोना बी 1950 इन 2005। ठीक है, तो जो CPI होगा डेट इज गोना बी दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज गोना बी 139.29 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सो गुड्स विच आर ट्रेडेड इन बल्क। अब ना CPI इज कंज्यूमर, अब कंज्यूमर बल्क में नहीं चीज़ें खरीदता कभी भी, बल्क में जो चीज़ें खरीदता है डेट आर होल सेल प्राइस इंडेक्स विच इज़ WPI, जिसमें होल सेल में एक लार्ज बल्क में चीज़ें खरीदी जाती है। और USA में इसको सेम चीज़ को PPI यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना है कि जो CPI है वो GDP डिफ्लेटर से कहीं कुछ अलग है। ठीक है, वो क्या है कि द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय कंज्यूमर डू नॉट रिप्रेजेंट ऑल गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन कंट्री। GDP डिफ्लेटर टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ ऑल सच गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, उसके बाद जो CPI है वो इंक्लूड करता है प्राइस ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर, हेंस इट इंक्लूड प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, जबकि GDP इम्पोर्टेड गुड्स का प्राइस इंक्लूड नहीं करता है। The weight of constant is in CPI, but they differ according to the production level of good in GDP deflator. Okay. अब GDP and welfare, क्या हम GDP से हमारी country का welfare दिखा सकते हैं? क्या GDP एक representative बन सकता है हमारी welfare का? इसका आंसर है नहीं। इसके तीन मेन रीज़न हैं कि GDP डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मतलब किसी भी कंट्री की GDP राइज कर सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वेलफेयर राइज कर रहा है, बिकॉज
ऐसा भी हो सकता है कि जो जीडीपी राइज कर रही है वो किसी भी इंडिविजुअल की वजह से कर रही है, किसी भी इंडिविजुअल फर्म की वजह से कर रही है, ठीक है, वह या तो इंडिविजुअल या तो बहुत ही कम कुछ, ठीक है। तो इन कुछ इंडिविजुअल या फर्म्स की वजह से पूरी कंट्री का वेलफेयर तो नहीं इंक्रीज कर सकता है, राइट? सो दैट इज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड, नॉन मोनेटरी एक्सचेंजेस। कुछ ऐसी भी एक्सचेंजेस है जो कि नॉन मोनेटरी है, जिसमें पैसे का तो इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। जैसे जो वुमेन्स है जो घर पे काम करती है, उनको तो नहीं पे किया जाता, उसके बदले में कहीं अभी भी बाटा सिस्टम चल रहा है, गुड्स फॉर गुड्स, उसमें तो मनी का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, उसमें तो जीडीपी आएगा ही नहीं, ठीक है। कहीं बच्चे अभी स्कूल ही जा रहे हैं, उसके अलावा कहीं रिलीजियस, कहीं कुछ रीजन अभी भी बहुत ही अंडर डेवलप्ड है, कहीं ना कहीं जीडीपी एक क्लियर मैनर नहीं हो सकता है, जीडीपी एक क्लियर वो नहीं दे सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये आता है एक्सटर्नालिटीज। एक्सटर्नालिटीज होती हैं कुछ बेनिफिट्स या हार्म जो कि एक फर्म को हो जाता है कभी, ठीक है। अब एक्स जो जो एक्सटर्नालिटीज होती है उनको बेचा या खरीदा नहीं जाता, ठीक है। सो वो भी जीडीपी में नहीं कवर होगा, राइट? जैसे सपोज एक ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है। एक ऑयल रिफाइनरी का काम क्या है? ऑयल को रिफाइन करना। जो ऑयल रिफाइन कर रहा है उस फैक्ट्री से जो गंद निकल रहा है, जो वेस्ट निकल रहा है, डैट इज अनट्रीटेडली जस्ट रिलीज इनटू वाटर। पानी में उसको रियल बाय रिवर में छोड़ दिया जाता है अनट्रीट करके, जिसकी वजह से मछलियाँ मर रही होंगी, पोल्यूशन में ऑल्सो किल द फिश। उसकी उसकी वजह से जो फिशरमैन है, जो उन नदी से मछली पकड़ के उनको बेच के अपना लिवलीहुड ग्रो करता है, वो तो अपना लिवलीहुड खो चुका है, बिकॉज मछलियाँ तो मर रही हैं, राइट? अब इसको ये तो कहीं ना कहीं बिका, इसमें तो कोई मनी का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, इसकी तो बहुत ही इनडायरेक्ट ऐसे कुछ यू नो एक्सटर्नैलिटी है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं बियर करना पड़ेगा किसी को, इसमें भी जीडीपी तो इंक्लूड होगा ही नहीं। डैट इज़ वाई जीडीपी इज़ नॉट अ राइट फैक्टर टू कैलकुलेट द एक्चुअल वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। सो येस, डैट इज़ इट फॉर द वीडियो एंड द चैप्टर एज वेल। आई होप यू लाइक इट। सो येस, थैंक यू वेरी मच।